नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस न्यू डायमंड की ऑनलाइन क्लासेस में। कल हम विज्ञान का टॉपिक पढ़ रहे थे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। इसके हमने जो भी आहार नाल के भाग थे उनको कंप्लीट कर लिया था और आगे जो आपके पाचक ग्रंथियाँ थी उनके बारे में पढ़ रहे थे। आज हमें एक ग्रंथि, कल हमने दो ग्रंथि पढ़ ली थी, एक तो आपके लार ग्रंथि के बारे में, एक आपके यकृत ग्रंथि के बारे में। आज जो हमें नेक्स्ट ग्रंथि पढ़नी है वो पढ़नी है आपके अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। ठीक है, कौन सी ग्रंथि पढ़नी है? अग्नाशय ग्रंथि, जिसे पेनक्रियाज भी कहते हैं, एक हमें यहाँ पर अभी पाचक ग्रंथि के रूप में पढ़ना है। ठीक है, कौन से ग्रंथि के रूप में? पाचक ग्रंथि के रूप में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कल मैंने बताया था कि छोटी आंत होती है उसमें अवशोषण की प्रक्रिया होती है ना, कि भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया कौन से भाग में संपन्न होती है? आहार नाल के छोटी आंत में आपके अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ध्यान रखना कि जो छोटी आंत का भाग था उस छोटी आंत के भाग में विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है और उन कोशिकाओं को बोलते हैं आपके एंटेरोसाइट। क्या बोलते हैं? एंटेरोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटेरोसाइट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एंटेरोसाइट को हिंदी में बोलते हैं आंत्र कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? आंत्र कोशिकाएं। इन आंत्र कोशिकाओं के द्वारा आपके अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। आप इस बात को ध्यान में रखना कि छोटे आंत में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? एंटेरोसाइट कहते हैं। और इन एंटेरोसाइट के द्वारा आपके अवशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है या अवशोषण किया जाता है, ये आप ध्यान में रखना। अब पढ़ते हैं हमारी अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। ठीक है, पाचन तंत्र में अगली ग्रंथि कौन सी? आपके अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। इस अग्नाशय ग्रंथि को क्या कहते हैं? पेनक्रियाज ग्रंथि, पेनक्रियाज ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना हमें अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। अब देखो अग्नाशय ग्रंथि में क्या याद रखना है? पहली बात तो आप याद रखना कि ये मानव की शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि के बारे में पूछे तो कौन सी ग्रंथि लिखोगे आप? अग्नाशय ग्रंथि। अब देखो यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि से मतलब क्या है? मिश्रित ग्रंथि का मतलब है कि यह ग्रंथि आपके बहिश्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है और अंतःश्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है। बहिश्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है और अंतःश्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहिश्रावी ग्रंथि और अंतःश्रावी ग्रंथि का मतलब क्या है? इनसे क्या होता है बहिश्रावी और अंतःश्रावी ग्रंथि? तो ध्यान रखना कि वे है ग्रंथियाँ, ठीक है, जिनके द्वारा जिस पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है या जो भी रासायनिक पदार्थ सिक्रेशन किया जाता है उनका स्त्रावण किया जाता है रासायनिक पदार्थों का। वो रासायनिक पदार्थ ध्यान रखना नलिकाओं के द्वारा कहाँ पे पहुँचता? आपके शरीर के विभिन्न भागों में। ठीक है, जो रासायनिक पदार्थ होता है उनका स्त्रावण कहाँ पे किया जाता है? नलिकाओं में स्त्रावित किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? नलिकाओं में स्रावित किया जाता है। इसीलिए इन ग्रंथियों को बोलते हैं आपके नलिका युक्त ग्रंथियाँ। क्या कहते हैं? नलिका युक्त ग्रंथियाँ कहते हैं। इन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? नलिका युक्त ग्रंथियाँ कहते हैं। जबकि जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उन अंतःस्रावी ग्रंथियों में आप ध्यान में रखना कि उसमें आपको क्या याद रखना अंतःस्रावी ग्रंथियों में, कि ये याद रखना कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं ये आपके जो भी रासायनिक पदार्थ का सिक्रेशन किया जाता है वो आपके रक्त में किया जाता है। किस में किया जाता है? रक्त में। और रक्त के द्वारा जो भी रासायनिक पदार्थ होता है वो कहाँ पे पहुँचता है? आपके शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचता है। इसीलिए इनमें को क्या कहते हैं? नलिकाविहीन ग्रंथियाँ कहते हैं, क्योंकि इनमें नलिकाएं काम में नहीं आती, इन्हें नलिकाविहीन ग्रंथियाँ कहते हैं। ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? अब देखो कि जो बहिश्रावी ग्रंथियाँ होती है ये बहिश्रावी ग्रंथियाँ जिस रासायनिक पदार्थ का सिक्रेशन करती है, जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करती है उन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? एंजाइम। ठीक है, तो आपके बहिश्रावी के रूप में जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपके एंजाइम कहलाता है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ का सिक्रेशन या स्त्रावण किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपके हार्मोन कहलाता है। ये बात आप ध्यान में रखना। पता चल गया यहाँ पे कि हार्मोन क्या होता है और प्रोटीन, सॉरी, ये हार्मोन और एंजाइम क्या होते हैं। तो जो अग्नाशय ग्रंथि इसके द्वारा एंजाइम का भी स्त्रावण किया जाता है और हार्मोनों का भी स्त्रावण किया जाता है। तो हमें अब क्या पढ़ना है? इसके द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम भी पढ़ने हैं और यहाँ पर हार्मोन भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको
इस अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो एंजाइम निकल रहे, उन एंजाइमों की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। उन एंजाइमों को आप ध्यान रखना। सबसे पहले आप ध्यान रखना SML और एक और ध्यान रखना आप L, स्मेल है ना, SMLL, ये ध्यान रखना। ऐसे हो जाएगा आपका एक एंजाइम बनता है, वो एंजाइम होता है सुक्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सुक्रेज, ठीक है। सुक्रेज के बाद में एक और एंजाइम होता है आपके, वो एंजाइम होता है आपके, सॉरी यहाँ पे SMM नहीं, आप याद रखना यहाँ पे कि इस अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो एंजाइम स्रावित किए जाते हैं वो एंजाइम है आपके, एक ही ध्यान रखना आप PCF। PCF के नीचे आपको ध्यान रखना है TAL। क्या याद रखना है? TAL। अब देखो, P से मतलब हो जाएगा आपका प्रोटीन, C से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, F से हो जाएगा वसा। P से क्या हो जाएगा आपका? प्रोटीन। C से क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। और F से क्या हो जाएगा? वसा। अब देखो, T से हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन। T से कौन सा एंजाइम हो जाएगा? ट्रिप्सिन एंजाइम। A से कौन सा एंजाइम हो जाएगा? एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। और L से हो जाएगा आपका लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। देखो, जैसे टेंथ पास करने के बाद में हम कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं, उस सब्जेक्ट में क्या होता है, एक तो P मतलब फिजिक्स होती है, C मतलब केमिस्ट्री होती है। इतने हार्ड हार्ड सब्जेक्ट ले लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और बाद में क्या हो गए? फेल हो गए। तो आपके P का मतलब प्रोटीन, C का मतलब कार्बोहाइड्रेट, F का मतलब क्या हो जाएगा? फेट। फेट मतलब क्या होता है? वसा। और इससे के नीचे आपको क्या लिखना है? TAL। क्या लिखना है? TAL। T का हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम, A से हो जाएगा एमाइलेज एंजाइम, L से हो जाएगा लाइपेज एंजाइम। तो P के नीचे क्या है? T मतलब प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम। कौन सा? आपके ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ध्यान रखना यहाँ पे, जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? आपके प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। अब देखो, अगला कौन सा एंजाइम है? आपके एमाइलेज। ए से क्या बनता है आपका? एमाइलेज। तो एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करेगा? ए के ऊपर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपके? सी मतलब कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा? आपके एमाइलेज एंजाइम। जबकि मुख गुहा में ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एकमात्र मुख गुहा में एंजाइम, मुख गुहा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला कौन सा? टाइलिन। जबकि आपके यहाँ पे अग्नाशय से जो रस स्रावित होते हैं एंजाइम, उनमें कौन सा हो जाएगा? आपके एमाइलेज। वो किसका पाचन करता है? आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगला हो जाएगा लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। और लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? आपके वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। ये बातें आप ध्यान में रखना। ये तो हो गए आपके अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम। अब बात करते हैं हार्मोन की। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं? तो हार्मोनों की यहाँ पे बात करते हैं। तो हार्मोनों में आप ध्यान रखना, एक हार्मोन तो होता है आपके इसमें कि इसमें जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, देखो अग्नाशय ग्रंथि की स्थिति कहाँ पे होती है? जैसे कि ये अमाशय, अमाशय की साइड में ये हो गए आपकी कौन सी ग्रंथि? ये अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। ये इस प्रकार की जो ग्रंथि पाई जाती है वो कौन सी होगी? अग्नाशय ग्रंथि। ये हो गई आपके अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। ये कौन सा हो गया? आपके अमाशय का पार्ट। अमाशय के पार्ट के नीचे कौन सी ग्रंथि स्थित थी? आपकी अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय की ग्रंथि। जब पाचन अंतर का डायग्राम बनाया था वहाँ पे देखा था। अब ध्यान रखना, इस अग्नाशय ग्रंथि में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं और इन कोशिकाओं के समूह को कहते हैं लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्या कहते हैं? लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं। अब ध्यान रखना, जो लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, इस लेंगरहैंस की द्वीपिकाओं में आपके तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? आपके तीन प्रकार की कोशिका। अब देखो, तीन प्रकार की कोशिका इसमें कौन कौन सी है? एक कोशिका तो होती है आपके अल्फा सेल, एक कोशिका होती है आपके बीटा सेल, एक होती है आपके डेल्टा सेल बोल सकते हो या जिसे गामा सेल भी बोल सकते हो। एक तो कौन सी होगी? आपके अल्फा सेल। एक कौन सी सेल होगी? बीटा। एक आपके डेल्टा सेल। तो अल्फा सेल के द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ का स्रावण किया जाता है वो कौन सा हार्मोन है? आपके इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? सॉरी, ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा यहाँ पे? ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन अल्फा कोशिकाओं के द्वारा किस हार्मोन का स्रावण किया जाता है? ग्लूकागोन। जबकि बीटा कोशिकाओं के द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ या जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो कौन सा? आपके
इंसुलिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। ये आपके टेंथ के कोर्स में, ये आपके जो डेल्टा सेल ये नहीं है, ठीक है, ये आपके ट्वेल्थ के कोर्स में पूछा जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आपके डेल्टा सेल होती है ये करती है आपके सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का श्रवण, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का श्रवण करती है। हमें सिर्फ टेंथ में आपके ये अल्फा सेल और बीटा सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम भोजन लेते हैं, ठीक है, तो उस अतिरिक्त भोजन जो भी ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को ध्यान रखना, वो ग्लूकोज एक बार तो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके, ध्यान रखना, जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, कल मैंने बताया था, जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है ये किस में कन्वर्ट होता है आपके, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। कल मैंने बताया था कि ग्लाइकोजन के रूप, इस ग्लाइकोजन के रूप में यकृत के पास में संग्रहित हो जाता है। अब क्या होता है, मान लो मेरी हाथ की कोशिकाओं को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ी हुई, उनके पास में कोई भी ऊर्जा नहीं है, तो डायरेक्ट जो भी रेस्पॉन्स होगा वो किसके पास में जाएगा, आपके मस्तिष्क के पास में जाएगा। रेस्पॉन्स किसके पास में जाएगा? मस्तिष्क के पास में संकेत जाएगा कि हाथ की कोशिकाओं को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। तो ये मस्तिष्क किसके पास में जाएगा? आपके यकृत के पास में जाएगा। हमारे शरीर का भोलेनाथ है ये यकृत, ठीक है, किसके पास जाएगा ये मस्तिष्क? आपके यकृत के पास में। तो यकृत बोलेगा, बोल भिखारी क्या चाहिए तुझे? तो मस्तिष्क हाथ जोड़ के बोलता है, भगवान मुझे क्या चाहिए? ग्लूकोज दे दो थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि हाथ वाली कोशिका के पास में क्या है? ग्लूकोज नहीं है। तो ये यकृत क्या बोलता है इस मस्तिष्क को कि यहाँ पे ग्लूकोज पड़ा है, तू ले जा, कि मैं तो नहीं ले जा सकता, आप दे दो। यकृत बोलता है, ले जाना तो ले जा, नहीं तो ऐसे ही जाएगा। ये मस्तिष्क बेचारा चल के आता है किसके पास में? अग्नाशय ग्रंथि के पास में। किसके पास में चल करके आता है? अग्नाशय ग्रंथि के पास में। अग्नाशय ग्रंथि को ये बोलता है मस्तिष्क, क्या कर रहा है रे तू? अग्नाशय ग्रंथि क्या बोलती है? सो रही हूँ मैं तो, अभी आराम कर रही हूँ। क्या हाथ वाली कोशिकाओं के पास में क्या ग्लूकोज नहीं है? तुझे वहाँ पे क्या करना है? ग्लूकोज पहुँचाना है। तो ये अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है? अपने असिस्टेंट को भेजती है। तो इसका असिस्टेंट कौन है? ध्यान रखना, अल्फा सेल है। कौन है? अल्फा सेल। इसका असिस्टेंट कौन है? अल्फा सेल। तो अग्नाशय ग्रंथि किसको ऑर्डर देती है? अल्फा सेल को, कि क्या कर रही है तू? कि मैं भी बैठी हूँ, क्या कर रही हूँ? आपकी तरह मजे कर रही हूँ। तो ये क्या बोलती है कि हाथ वाली कोशिकाओं को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। और तुझे हाथ वाली कोशिकाओं तक क्या पहुँचाना है? ग्लूकोज पहुँचाना है। तो ये अल्फा सेल और अपने आदमी को बोल देती है। और इस अल्फा सेल का आदमी कौन है आपके? ग्लूकागोन। अल्फा सेल का आदमी कौन है? ग्लूकागोन। अब ये ग्लूकागोन को जैसे ऑर्डर देती है, ये ग्लूकागोन किसके पास में जाता है? इस यकृत के पास में जाता है। यकृत बोलता है, बोल भाई तुझे क्या चाहिए? किसने भेजा है? कि मुझे अग्नाशय ग्रंथि ने भेजा है। कि ये अग्नाशय ग्रंथि कौन है? कि उस अग्नाशय ग्रंथि को मस्तिष्क में बोला था, ओ वो भिखारी। तो ये क्या करता है, ग्लूकागोन जैसे इस यकृत पे जाता है, तो ये क्या करता है, जो भी ग्लाइकोजन होता है इस ग्लूकोज में, सॉरी जो भी ग्लाइकोजन होता है आपके इस यकृत में, तो इस ग्लाइकोजन को वापस किस में कन्वर्ट कर देता है? आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रक्रिया को, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कौन सी प्रक्रिया? ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है आपके? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। तो हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज वापस कहाँ पर पहुँच जाता है? आपके हाथ की कोशिकाओं के पास में। और इस प्रकार हाथ की कोशिकाओं को क्या मिल जाता है? ग्लूकोज मिल जाता है, ठीक है। तो इस ग्लूकागोन का कार्य क्या हो गया? हमारे शरीर में किसका निर्माण करना? ग्लूकोज का निर्माण करना। अब क्या होता है, किस कारणवश क्या हो जाता है, इस ग्लूकागोन की मात्रा शरीर में क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो ये ग्लूकागोन की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, जो भी शरीर में ग्लाइकोजन होगा उस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। जितना भी सारा का सारा ग्लाइकोजन होगा उस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? आपके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? आपके ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो क्या करती है ये वापस रेस्पॉन्स, जैसे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, रेस्पॉन्स किसके पास में जाता है? मस्तिष्क के पास में। कि अरे रक्त में क्या हो गया, आपके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। मस्तिष्क बेचारा वापस किसके पास जाता है? आपके यकृत के पास में, भोलेनाथ के पास में जाता है। कि ये क्या कर दिया आपने, कि वो जो भी आपका ग्लूकागोन है वो सारा का सारा, जो भी आपके जो ग्लाइकोजन है वो सारा किस में कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा। पर ये यकृत क्या बोल रहा है? बोले शंकर कि मैंने तो इसको वरदान दे रखा है, ये तो कार्य करेगा, मैं वरदान अपना वापस नहीं ले सकता।
तो क्या करता है ये वापस मस्तिष्क किसके पास में जाता है, अग्नाशय ग्रंथि के पास में, कि तेरे लड़के को मना कर दे, ये सारा जो भी आपके ग्लाइकोजन है वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज में। तो ये अग्नाशय ग्रंथि बाद में किसके रेस्पॉन्स देते हैं, आपके बीटा सेल को रेस्पॉन्स देते हैं। कौन सी कोशिकाओं को, बीटा कोशिकाओं को रेस्पॉन्स देती है, और बीटा कोशिका अपने असिस्टेंट को भेजती है, और इसका असिस्टेंट कौन है आपके, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन को क्या बोलती है कि तुम वहाँ पे जा और जो भी आपके ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को वापस किस में कन्वर्ट कर दे, आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे। तो ये इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को वापस किस में कन्वर्ट करता है, आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? करता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को वापस कंट्रोल में रखने का कार्य करता है। कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखना, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखना। अब क्या हो जाता है, किसी कारणवश क्या होता है, कभी कभी इंसुलिन की हार्मोन की मात्रा तो कम हो जाती है, तो सारा का सारा जो भी ग्लूकागोन होगा, ये ग्लूकागोन क्या करेगा, जितना भी ग्लाइकोजन है शरीर में उस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके इस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और जिससे रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, आपके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और शर्करा की मात्रा बढ़ती है तो जिसके कारण क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति में जो रोग होता है वो रोग कौन सा हो जाता है, आपके मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, और यही आपके ग्लूकोज या शर्करा मूत्र के साथ में बाहर विसर्जित होती रहती है, मूत्र के साथ में बाहर विसर्जित होता रहता है, और जिसके कारण आपने देखा होगा कि कोई भी आपके मधुमेह का रोगी कहीं पर भी आपके मूत्र विसर्जन करता है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, आपके चींटी आ जाती है ना, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके आपके रक्त में किसकी मात्रा ज़्यादा थी, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा थी। ये आपके इतना था किसके बारे में, इस अग्नाशय ग्रंथि के बारे में था। ठीक है, अब हमें सारी प्रोसेस पढ़नी है, पाचन की क्रियाविधि की प्रोसेस पढ़नी है। किसकी प्रोसेस पढ़नी है, पाचन की क्रियाविधि की प्रोसेस पढ़नी है। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज ये सारा थोड़ा डिटेल से बताया मैंने इस अग्नाशय ग्रंथि के बारे में आपको, कि सारा आपको नॉलेज रहे इस अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। और अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ नया सीखा है आपने, क्या नया सीखा वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं।